Hello students, how are you all? Hope you all are fine. So today we will start our 25th lesson, that is community health and hygiene. Community health and hygiene मतलब होता है सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता. अब सामुदायिक मतलब काफ़ी सारे लोग जब एक साथ रहते हैं तो उसको हम समुदाय बोलते हैं, और उस समुदाय की स्वास्थ्य और वहाँ की स्वच्छता जहाँ पर वो रहते हैं उसके बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है. Read and discuss. There was havoc as 150 people in the area where Radha lives were suddenly affected by food poisoning. Radha जहाँ पर रहती है उस एरिया में काफ़ी हड़बड़ी मच गई थी, क्योंकि वहाँ पर 150 लोगों को क्या हो गया था, फूड पॉइजनिंग, पेट खराब हो गया था उनका. Some of the residents made great efforts to secure emergency medical help immediately. कुछ लोगों को जल्दी से दवा खाने की हेल्प मिल गई. राधा टू स्टेड अप लेट दैट नाइट. राधा भी बहुत देर तक जगी हुई थी उस रात में. शी वॉज सो स्ट्रेस दैट शी कुड नॉट टेक पार्ट इन स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन इन हर स्कूल द नेक्स्ट डे. उसको इतना स्ट्रेस आ गया था, वो थोड़ी टेंशन में आ गई थी राधा. क्यों? क्योंकि दूसरे दिन उसके स्कूल में कहानी बताने की कॉम्पिटिशन थी. She did feel bad about missing the chance, but she had the satisfaction of having helped the victims of food poisoning. राधा को बहुत ख़राब भी लग रहा था क्योंकि वो उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले पाई, लेकिन संतुष्टि भी थी उसके मन को. संतोष ये था कि उसने काफ़ी लोगों की मदद की रात में जिनको फूड पॉइजनिंग हुआ था. ओके, What do you think are the reason of such emergency? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ वहाँ पे जहाँ पे राधा रहती है? शायद से उन लोगों ने एक जगह का ही खाना खाया होगा जहाँ पे प्रॉपर केयर से खाना नहीं बनाया गया है, इसलिए उन सबको क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग. इट इज़ नेसेसरी टू बी अलर्ट अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन. डू यू अग्री दैट द हेल्थ ऑफ द एंटायर कम्युनिटी इज एज इम्पॉर्टेंट एज वंस ओन हेल्थ? देखो, स्वच्छता और स्वास्थ्य ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर, या फिर कहीं भी जहाँ भी जाए वहाँ पे स्वच्छता होनी ही चाहिए और अपने स्वास्थ्य के तरफ हमने ध्यान देना ही चाहिए. तो जिस प्रकार एक इंसान के स्वास्थ्य और स्वच्छता ज़रूरी है, उसी प्रकार एक समुदाय की यानी जो लोग रहते हैं साथ में उनकी भी स्वच्छता और स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए. कम्युनिटी हेल्थ, न्यूट्रिशियस फूड, पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज एंड द परस्यूट ऑफ हॉबीज लीड टू एक्सेलेंट हेल्थ एंड गुड पर्सनल डेवलपमेंट. अच्छा खाना, पोषित खाना, स्वच्छता, खुद की स्वच्छता, और थोड़ा अगर हम व्यायाम करें और कोई एक हॉबी रख ले खुद के लिए, तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व में अच्छा विकास होता है. जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ आवर ओन हेल्थ, वी मस्ट मेक एफर्ट टू एंश्योर गुड हेल्थ फॉर ऑल. जिस प्रकार हम खुद की तबीयत की निगाह रखते हैं, केयर करते हैं, उसी प्रकार हमने दूसरों को भी तरफ ध्यान देना चाहिए. एवरीवन इन आवर सोसाइटी शुड बी एबल टू लिव द काइंड ऑफ टेंशन फ्री एंड हैप्पी लाइफ दैट वी विश फॉर आवर सेल्फ. जैसे हम सोचते हैं कि हमें टेंशन नहीं होना चाहिए, आनंद होना चाहिए हमारे जीवन में, उसी तरह बाकी लोगों का भी टेंशन नहीं होना चाहिए लाइफ में, और सभी आनंद से रहने चाहिए. गुड कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन कैन बी अचीव्ड थ्रू हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ ऑन द पार्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन अ कम्युनिटी. अगर हम खुद में एक आदत बना ले कि स्वच्छता रखनी है हमारे आसपास और खुद की तबीयत की तरफ ध्यान रखनी है, तो हम खुद का ही नहीं पूरे समुदाय का हम अच्छा भला कर सकते हैं. पोल्यूशन, स्क्वेलर, एपिडेमिक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, एडिक्शन, इंसेक्ट बॉर्न डिसीज, ये जो है, तो पोल्यूशन आपको सबको पता है, स्क्वेलर यानि गंदगी, एपिडेमिक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस मतलब महामारी फैलना, गंदी आदतें लगना, और जो जो
ऐसी बीमारियां होती है जो कीड़ों से लगती है, जैसे कि मच्छर की वजह से, मच्छर एक कीड़ा है, मच्छर की वजह से क्या होता है, मलेरिया, ये सब जो डिसीजेज़ हैं आर ऑल थ्रेट्स टू कम्युनिटी हेल्थ। ये सब क्या है, हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। टू नर्चर कम्युनिटी हेल्थ इज़ टू प्रोटेक्ट द जनरल पब्लिक फ्रॉम सच डिजीजेस एंड टू मेक अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ पॉसिबल फॉर ऑल। तो अगर सबको हम प्रोटेक्ट करेंगे, सबको संभाल कर, सबको अच्छे से रखेंगे, सबके बारे में, सबके हाइजीन के बारे में, सबकी स्वच्छता के बारे में अगर हम सोचेंगे, सबकी सबके आनंद के बारे में सोचेंगे, तो सबकी लाइफ क्या होगी, बहुत ही अच्छी और सुखद हो जाएगी। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। अब सामाजिक सामुदायिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है वो देखना है। द इम्पोर्टेंट द पीपल ऑफ अ कंट्री आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन अ कंट्रीज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। जो देश होता है उसका विकास किससे किसकी वजह से होता है, उसमें रहने वाले लोगों की वजह से होता है। Their health can be protected if they have a clean environment, nutritious food, safe drinking water and good medical facilities. और इन लोगों को हम protect कर सकते हैं। देश होता है लोगों की वजह से, देश की उन्नति वहाँ पर रहने वाले लोगों की वजह से होती है। और उन लोगों की उन्नति कब होगी, जब वहाँ पर वहाँ के लोगों की रक्षा की जाएगी, अच्छा वहाँ पे एनवायरनमेंट होगा, वातावरण होगा, पोषित खाना उन लोगों को मिलेगा, स्वच्छ साफ सुथरा पानी पीने के लिए मिलेगा और अच्छी मेडिकल की ज़रूरतें उनकी पूरी होगी, तभी ये सब मुमकिन है। मास मीडिया आर यूज अंडर कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स टू एडुकेट पीपल अबाउट इशूज सच एज टेकिंग केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड। तो मास मीडिया यानी टीवी हुआ, रेडियो हुआ, न्यूज़पेपर, जिन साधनों से हमें बातें पता चलती हैं, न्यूज़ पता चलती हैं, उनको बोलेंगे हम मास मीडिया। तो उन पर भी कई सारे विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट आती है कि आपने स्वच्छ खाना खाना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, है ना, आपने देखी होगी टीवी पर, न्यूज़पेपर में। पीपल आर अर्ज इन एवरी पॉसिबल वे टू कीप देयर सराउंडिंग क्लीन। लोगों को बार बार बताया जाता है कि आप आपके आजू बाजू का जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखो। इट इज़ अ लीगल ऑफेंस टू स्पिट इन पब्लिक प्लेस। अब तो मनाई भी है, कहीं पर थूक दोगे तो वो गुनाह हो जाता है, रास्ते पर थूकोगे तो वो अलाउड नहीं है। द एम ऑफ दिस बैन इज़ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। और ऐसा क्यों है, कोई थूकेगा तो उसको क्यों कुछ तो जुर्माना भरना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये इस वजह से है ताकि बीमारियां ना फैले, इस वजह से ये बैन लगाया गया है, बंदी लगाई गई है। व्हाट आर द थ्रेट्स टू द हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी। अब कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हमारी समुदाय को काफ़ी तकलीफ हो सकती है। देर आर सेवरल थ्रेट्स टू कम्युनिटी हेल्थ। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। एन इम्पॉर्टेंट थ्रेट इज़ केयरलेसनेस रिगार्डिंग हाइजीन। खुद की स्वच्छता के बारे में ना सोचना, ये सबसे बड़ा धोखा है हमारे समुदाय के लिए। फ्रॉम द एक्शंस गिवन बिलो मार्क दोज दैट आर हार्मफुल विथ क्रॉस एंड राइट द एक्सप्लेनेशन इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे क्रॉस या टिक मार्क लगाना है कि ये हैबिट्स अच्छी है या बुरी है। ये जो यहाँ पे कुछ बताए गए हैं पॉइंट्स, ये अच्छी है होगी तो आपने टिक मार्क कर देना है, अच्छी नहीं होगी तो आपने क्रॉस लगा देना है। बर्निंग ओल्ड टायर्स, पुराने टायर को जलाना, इससे क्या होगा, ये बुरी बात है, इससे पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा। तो पुट अ क्रॉस ऑन दिस, ओके, फर्स्ट पे क्रॉस। स्पिटिंग एनीवेयर ऑन द रोड, कहीं पर भी रोड पर थूक दो। अगर आपको कोई डिसीज हो गई है कोई, हाँ, और वहाँ और आपने थूक दिया, ओके, आपको आप बीमार हो और आपने रास्ते पर थूक दिया, तो क्या होगा, जो आपके जर्म्स है वो आपके थूक के द्वारा बाकी लोगों को भी के भी अंदर जा सकते हैं, ओके, तो दिस इज़ रॉन्ग थिंग, पुट अ क्रॉस मार्क ओवर हियर। थर्ड, यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स। पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना
ठीक है, इमरजेंसी के लिए ठीक है। लुकिंग आफ्टर डोमेस्टिक एनिमल्स, जो हमारे घर में हम जानवरों को पालते हैं उनकी केयर करनी चाहिए, उनको उनकी निगाह रखनी चाहिए। यस, टिक मार्क। फॉलोइंग डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस इन केसेस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, डॉक्टर्स ने जो जो बताया है वो सारी बातें सुनना है जब कोई इन्फेक्शन वाले डिसी हमें होते हैं, बीमारी होती है। यस, टिक मार्क। वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर मील और स्नैक, खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। यस, पुट अ टिक मार्क। थ्रोइंग द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस ऑन टू द रोड, आपके घर से कचरा उठाकर रोड पर फेंक दो, यह बुरी बात है, तो यहाँ पर आपने सेवन्थ पे क्रॉस लगाना है। स्पीक एंड राइट। सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट आर हार्मफुल फॉर कम्युनिटी हेल्थ आर मेंशन बिलो, जो हमारे समाज के लिए, समुदाय के लिए चीज़ें प्रॉपर नहीं है, बेहतर नहीं है, वो नीचे कुछ दी है। फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूटेड वाटर, मैल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, जैसे कि गंदा पानी, कुपोषण, ऐसे कुछ चीज़ें। हाउ ईच ऑफ दीज फैक्टर्स हार्म्स कम्युनिटी हेल्थ इज गिवन इन द फर्स्ट बॉक्स इन फ्रंट ऑफ इट, कैसे वो चीज़ सही नहीं है वो उसके सामने दी भी है बॉक्स में। सजेस्टेड रेमेडीज आर मेंशन इन द नेक्स्ट बॉक्स, एड अदर इल इफेक्ट्स एंड रेमेडीज टू रिस्पेक्टिव बॉक्सेस, आपको जो लगता है वो आपने यहाँ पर लिखना है। पोल्यूटेड वाटर, गंदे पानी से क्या होता है, कॉलरा ये डिसीज होता है, जॉन्डिस जैसा डिसीज़ होता है ना, पेट के इंटेस्टाइन की बीमारियां हो जाती है। सेफ वाटर सप्लाई, सेफ वाटर सप्लाई होगा तो हेल्थ कैसी होगी, अच्छी, गुड हाइजीन। मेल न्यूट्रिशन अगर है, कुपोषण है, हाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेथ्स, तो कई सारे बच्चे उस वजह से मर जाते हैं, कुपोषित बालक होते हैं। न्यूट्रिशियस डाइट, उनको क्या मिलना चाहिए, पोषित आहार मिलना चाहिए। पोल्यूशन अगर है तो क्या होगा, डेंजर टू द एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण को हानि हो सकती है, और क्या हो सकता है, हमें भी हानि हो सकती है ना, डेंजर टू ह्यूमन बींग्स। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, हमने अपने वातावरण को कैसे कैसे उसकी निगाह रखनी चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशंस, किन किन चीज़ों की तरफ हम ऐसे बोलेंगे कि छोड़ दो करके, और किन चीज़, किन तज्ञानुसी बातों के बारे में हम सोचेंगे, इसकी बजाय हमने क्या करना चाहिए, उसका साइंटिफिक टेंपर, यानी उसके पीछे साइंस का क्या तर्क है वो देखकर हमने चीज़ों को देखना चाहिए। एडिक्शंस, बुरी आदतें, अनहैप्पी फैमिली लाइफ, बुरी आदत से क्या होता है, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। डी एडिक्शन प्रोग्राम्स, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, डी एडिक्टेशन एडिशन एडिक्शन प्रोग्राम्स में जाना चाहिए, यानी रीहैब में, जहाँ पर ये बुरी आदतें छुड़ाई जाती है वहाँ पर लोगों ने जाना चाहिए। ओके, तो ये सब यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये चार्ट आपको पूरा करना है। तो बाद में हम देखते हैं होलसम लिविंग, अब पूरी तरह से हम अपनी लाइफ को कैसे इंजॉय करें, अपने जीवन में कैसे आनंद लाए, उसके बारे में हमने सीखना है। इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू लीड अ होलसम लाइफ, अगर हम अपनी तबीयत की निगाह रखें खुद ही, तो अच्छी लाइफ हमें मिल सकती है। कीपिंग आवर सेल्फ हैप्पी एंड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन थिंग्स, अवॉइडिंग फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड एंड एनवी एंड डूइंग वॉट इज नेसेसरी टू मेंटेन फिजिकल हेल्थ हेल्प्स अस टू अचीव दिस एंड, अगर हम खुद भी आनंदी रहेंगे, खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे, चीज़ों में खुद से पार्टिसिपेट करेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, किसी को अपना दुश्मन नहीं मानेंगे, और खुद की जो फिजिकल हेल्थ है यानी तबीयत है उसकी निगाह रखेंगे, तो ये सब हमें अच्छी लाइफ की तरफ ले जा सकता है। इफ़ पीपल ऑफ अ सोसाइटी लिव अ हेल्दी एंड होलसम लाइफ, सोशल टेंशन ऑल्सो डिक्रीजेज एंड फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप्स कैन बी नर्चर्ड, अगर कोई बुरी भावना, यानी द्वेष से ना देखें हम एक दूसरे की तरफ,
और तो इससे क्या होगा कि ये हमारे बीच का तनाव कम होता है, और तनाव कम होगा तो फिर फ्रेंडशिप हो जाती है ना। टोबैको कंजम्पशन, अब तंबाकू खाने से क्या होता है? नेम्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स सच एज गुटका, सिगरेट्स, बीडीज, मशेरी, मावा, पान मसाला एक्सेट्रा आर ऑफन हर्ड। ये सब जो अभी मैंने नाम पढ़े ये आपने कई बार सुने होंगे। वी ऑल्सो सी मेनी पीपल कंज्यूमिंग टोबैको इन डिफरेंट वेज। आपने कई लोगों को टोबैको खाते हुए देखा होगा। ऑल दीज आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ये सब चीज़ें जो ऊपर दी है ना, ये हमारे तबीयत के लिए बहुत हानिकारक है। एट फर्स्ट अ पर्सन मे च्यू टोबैको कैजुअली एट सम टाइम्स समवंस अर्जिंग। अगर कोई बोल ले कि ले ले भाई खा ले, तो कोई हम खा भी लेते हैं लोग, बट दिस में लीड टू एडिक्शन। लेकिन ये एक बुरी आदत भी बन सकती है। द पर्सन बिकम डिपेंडेंट ऑन टोबैको एंड कैन नॉट गिव अप द हैबिट। लोगों को आदत लग जाती है इस प्रकार कि कोई काम वो बिना तंबाकू के नहीं कर पाते हैं। वेन पीपल डेवलप दिस हैबिट दे बिकम रेस्टलेस इफ दे डू नॉट गेट टोबैको। अगर लोगों को आदत लग जाती है तंबाकू खाने की, तो उनको बेचैनी होने लगती है। दे आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू एनीथिंग एल्स। उनका ध्यान ही नहीं लगता है एक जगह पर। दे हैव टू हैव टोबैको इन देयर माउथ ऑल द टाइम। उनको हमेशा अपने मुंह में क्या चाहिए? तंबाकू चाहिए। वेन द हैबिट रीचेज द स्टेज इट इज़ कॉल्ड एन एडिक्शन। जब ऐसा होता है किसी इंसान के साथ में कि बेचैनी हो रही है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा मुंह में तंबाकू चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एडिक्शन, आदत लग गई तंबाकू की, ऐसा बोलते हैं। पीपल एडिक्टेड टू टोबैको स्पिट हेयर एंड देयर ऑल द टाइम एंड मेक देयर सराउंडिंग डर्टी। जो लोग तंबाकू खाते हैं वो इधर उधर थूकते ही रहते हैं और पूरा हमारे आजू बाजू का वातावरण गंदा करते रहते हैं। इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको एडिक्शन। अब तंबाकू खाने की वजह से क्या बुरा होता है उसके बारे में देखना है। अल्सर्स इन द माउथ, मुंह में छाले आ जाते हैं। द अल्सर्स डेवलप इन टू बिगर वंड्स। द पर्सन मे डेवलप ट्यूमर्स। पहले तो छाले आते हैं, फिर उसके बड़े बड़े फोड़े बन जाते हैं, और फोड़े बनने के बाद वहाँ पर ट्यूमर भी बन सकते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन ट्रीटमेंट। बहुत सारा टाइम उसके ट्रीटमेंट में निकल जाता है, काफ़ी सारा पैसा भी उसके ट्रीटमेंट में निकल जाता है। इफ़ द वंड्स डू नॉट हील द पर्सन हैज सीरियस प्रॉब्लम। अगर वो जो मुंह में छाले या फिर फोड़े रहते हैं वो अगर बैठते नहीं हैं, तो वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। दिस कैन इवेंचुअली लीड टू कैंसर, और धीरे धीरे वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। टोबैको इंटरिंग द डाइजेस्टिव ऑर्गन लीड टू कंप्लेंट्स रिलेटेड टू देम। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स यानी जो हमारा पाचन संस्था जो है हमारी, उसके अंदर अगर तंबाकू मिल जाए तो सब डाइजेशन खराब हो जाता है, पाचन संस्था हमारी बिगड़ जाती है। द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ टोबैको इन डाइजेस्टिव ऑर्गन कैन कॉज कैंसर ऑफ दोज ऑर्गन्स। जो हमारी पाचन संस्था है, अगर इसमें तंबाकू चला जाए तो उसका भी कैंसर होने की संभावना होती है। अ पर्सन हु डेवलप्स कैंसर इन दिस वे हैज़ टू टेक वेरी पेनफुल ट्रीटमेंट। जिनको ऐसा कैंसर होता है उनकी जो ट्रीटमेंट होती है ना, वो बहुत पेनफुल होती है, बहुत दर्द होता है उसमें। इवन आफ्टर दैट वन कैन नॉट बी श्योर दैट द कैंसर विल बी क्योर्ड। इतना दर्दनाक ट्रीटमेंट सहन करने के बाद में भी गारंटी नहीं रहती है कि वो कैंसर ठीक ही होगा करके। अल्कोहलिज्म, अब दारू पी, अल्कोहलिज्म क्या होता है? दारू पीना जो बुरी आदत है उसको अल्कोहलिज्म ऐसा बोला जाता है। ड्रिंकिंग अल्कोहल ऑल्सो हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। दारू पीने के भी कई सारे बुरे परिणाम होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। एडिक्शन टू अल्कोहल इज कॉल्ड अल्कोहलिज्म। बुरी आदत होना दारू पीने की, उसको क्या कहते हैं? अल्कोहलिज्म। अल्कोहल मेक्स अ पर्सन ड्राउजी एंड कन्फ्यूज। जो इंसान दारू पीता है, शराब पीता है, तो वो कैसा होता है? ऐसा एनर्जी नहीं होती है उसमें, और हमेशा वो कैसा कंफ्यूज रहता है, उसको पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है उसके साथ में। वन लूजेस कंट्रोल ओवर वंस एक्शन। उसका खुद के ऊपर ही नियंत्रण नहीं होता है, वो क्या कर रहा है उसको नहीं समझ में आता है, जो जो इंसान शराब पीता है। अल्कोहलिज्म कॉजेज डिजीज ऑफ लीवर, इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर।
बार बार शराब पीने से क्या होता है, लीवर की बीमारियां होती है, इंटेस्टाइन की, यूरिनरी ब्लैडर की बीमारियां हो जाती है। एडिक्शन टू टोबैको और अल्कोहल आर बोथ वेरी बैड हैबिट्स। तंबाकू की बुरी आदत या फिर शराब की बुरी आदत, ये दोनों ही बहुत बुरी आदतें हैं। इट इज़ बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दीज वाइसेस। इससे तो बेहतर है कि इन दोनों चीज़ों से दूर ही रहो। नेवर बीन नेग्लिजेंट अबाउट हेल्थ। कभी भी अपने स्वास्थ्य के बारे में हमने उस स्वास्थ्य की तरफ दुर्लक्षित नहीं करना चाहिए। ओके, द कंडीशन ऑफ द एडिक्ट बिकम्स पैथेटिक एंड द एडिक्ट्स फैमिली टू हैज़ टू सफर विद देम। जिस इंसान को ऐसी बुरी आदतें होती हैं, वो बहुत ही फिर कमज़ोर हो जाता है, उसके बैड इफ़ेक्ट्स फिर उसकी फैमिली को भी झेलने पड़ते हैं। देर इज़ नो टेलिंग हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट। और हम बता भी नहीं सकते कि अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो कितने पैसे लगेंगे, बता भी नहीं पाएंगे। बिसाइड्स एवरी वन इज़ पुट टू ग्रेट ट्रबल एंड लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट आर वेस्टेड। सबका टाइम और पैसा तो खर्च होगा ही होगा, लेकिन सबको बहुत दुख भी होगा। द फैमिली गेट्स डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड इज रुइंड। क्या होता है फिर, वो जो इंसान ऐसे नशे करता है, शराब या फिर टोबैको के, तंबाकू के, उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। वी मस्ट बी अवेयर दैट एन एडिक्ट डिस्ट्रॉयज द एंटायर फैमिली। अगर घर में एक भी इंसान हो जिसको बुरी आदतें हो, तो वो एक इंसान पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकता है। बी वेयर च्यूइंग टोबैको, स्मोकिंग सिगरेट्स और बीड़ीज, टेकिंग स्नफ, रबिंग मशेरी, ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है, इनसे हमने क्या करना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। और जो ऐसी जिनको ऐसी आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, उनको भी बोलना चाहिए कि आप भी इन सब आदतों से दूर रहो। ओके, एंड टीच स्मोकिंग टोबैको टू थ्रू अचिलम, हुक्का, सिगार पाइप और चूट आर ऑल एक्सट्रीमली हार्मफुल। सब ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, उसके परिणाम काफ़ी बुरे होते हैं। Besides alcohol and tobacco, people also fall prey to some other addictions, such as the addiction of drugs like cocaine, brown sugar, etc. सिर्फ गंदी आदतें, सिर्फ शराब पीना या फिर तंबाकू खाना, ये नहीं है, और भी कई सारे ऐसी बुरी आदतें हैं, जैसे कि ड्रग्स लेना वगैरह वगैरह। These addictions can totally devastate your life. ये सारी बुरी आदतें हमारी लाइफ को, जीवन को खराब कर सकती है। ड्रग्स, टोबैको एंड अल्कोहल यूज एन इनविटेशन टू डेथ। शराब, तंबाकू, इनका उपयोग करना, ड्रग्स इनका उपयोग करना, ये मौत को बुलावा देने जैसा है। टोबैको, ड्रग्स एंड अल्कोहल प्रोड्यूस अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। ड्रग्स लेने से, तंबाकू खाने से या फिर शराब पीने से क्या होता है, नशा होता है। एडिक्शन टू एनी ऑफ देम इवेंचुअली किल्स यू। इनमें से कोई भी एक आदत अगर हमें लग जाएगी तो हमारी मृत्यु तो अटल है। एवरी पर्सन शुड बी अवेयर ऑफ द इल इफेक्ट्स ऑफ दीज एडिक्शंस एंड स्ट्रिक्टली स्टे अवे फ्रॉम देम। सभी लोगों को उसके गलत परिणाम क्या होते हैं, ये पता होने चाहिए, और इस वजह से हमने इन सब आदतों से दूर ही रहना चाहिए। देर आर पीपल हु लर्न अदर्स इन टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ट्राइंग आउट टोबैको। ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों को ढकेलते हैं कि स्मोक करो, बीड़ी पियो, तंबाकू लो, शराब पियो, ऐसे पी लो, ऐसे भी लोग होते हैं। ऑन नो अकाउंट शुड वी गिव इन टू देयर प्रेशर। और हमने क्या करना है, ऐसे लोगों की तरफ ध्यान भी नहीं देना है, कोई अगर हमें ऐसा बोले तो ध्यान भी नहीं देना है, बातें सुननी तो दूर, उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देना है। इफ़ अ पर्सन स्टार्ट्स गेटिंग एडिक्टेड टू स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और टेकिंग ड्रग्स, द हेल्प ऑफ काउंसलर और डॉक्टर्स शुड बी सॉट इमिडिएटली टू रीड द पर्सन ऑफ द हैबिट।
अगर आपके आसपास कोई इंसान है जिसको ये सारी आदतें हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोक करना, शराब पीना या फिर ड्रग्स लेना, तो काउंसलर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास जाके आप उनकी ये बुरी आदतें छुड़वा सकते हो। वन शुड ईट रेगुलरली एंड टेक अप स्पोर्ट्स एंड अदर हॉबीज़। इन सब बुरी आदतों को टालने के लिए हमने अच्छा खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए और कोई एक हॉबी हमने बना लेनी चाहिए। वन शुड बी फर्म इन अवॉइडिंग एनी एडिक्शन। हमने खुद में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे कोई भी नशा नहीं करना है। ट्राई दिस। ऑल ऑफ अस हैव सर्टन हैबिट्स। हर एक को कोई ना कोई आदत होती है। सम सच हैबिट्स आर मेंशन बिलो। कुछ आदतें नीचे दी गई है। पुट देम इनटू थ्री ग्रुप्स, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स एंड पॉइंटलेस हैबिट। आदतें सबकी होती है अलग अलग, कुछ अच्छी आदतें होती है, कुछ बुरी आदतें और कुछ ऐसे आदतें जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ऐसे तीन ग्रुप्स में बनाने बताए हैं। देखो अच्छी है बुरी है या कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी आदतों की। इन्फॉर्मिंग योर फैमिली मेम्बर्स वेयर यू आर गोइंग एंड व्हेन यू विल बी बैक। आप कहीं बाहर जा रहे हो और आप अपने घर में बता कर जा रहे हो कि आप कब जा रहे हो और कब वापस आओगे। तो ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है? इट इज़ अ गुड हैबिट। ये अच्छी आदत है। टेलिंग द ट्रुथ, हमेशा सच बोलना, ये कैसी आदत है? अच्छी आदत है। फाइन फिडलिंग विथ वंस हेयर्स और पेंसिल एक्सेट्रा ऑल द टाइम, हमेशा बालों से या पेंसिल से खेलते रहना, ये कैसी आदत है? ये पॉइंटलेस हैबिट है। ये बुरी भी नहीं और अच्छी भी नहीं, ये एकदम बेकार की आदत है। बाइटिंग वंस नेल्स, नाखून खाते रहना, ये बुरी आदत है क्योंकि नाखून में कई सारे जर्म्स होते हैं, वो आपके स्टमक में गए तो फिर हो गया आपका काम, पेट खराब, तो ये बुरी आदत है। मेकिंग द स्कूल बैग रेडी द नाइट बिफोर, कल स्कूल जाना है तो अगली रात ही अपने अपनी बैग भर के रखनी है। इट इज़ अ गुड हैबिट। इससे क्या होगा, आपका नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का टाइम बच जाएगा। फ्रिक्वेंटली फॉरगेटिंग वंस अम्ब्रेला, रेनकोट, पेंसिल, पेन एक्सेट्रा, हमेशा भूल जाना चीज़ें, भूल जाना कौन सी, अम्ब्रेला भूलना, रेनकोट भूलना, पेंसिल भूलना, पेन भूलना, ये कैसी आदत है? एकदम बुरी आदत है ना, चीज़ें भूलना बुरी आदत होती है। पुटिंग अ लिमिट ऑन टीवी टाइम एंड स्टिकिंग टू इट, हमेशा टीवी का टाइम तय करना कि मैं एक ही घंटा या फिर 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स टीवी देखूंगा और ये रोज़ हमने फॉलो करना। तो ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है? ये अच्छी आदत है। तो इस प्रकार ये तीन हमारे अलग अलग प्रकार की आदतें, अच्छी आदत, बुरी आदत और पॉइंटलेस आदत होती है। यूज़ योर ब्रेन पावर। व्हाट बैड हैबिट्स विल यू गार्ड अगेंस्ट व्हाइल ट्राइंग टू अचीव योर एम और इंटरेस्ट इन लाइफ। कौन सी ऐसी बुरी आदत है जो आपकी पूरी लाइफ टाइम में रखोगे? कोई बुरी आदत नहीं रखनी है किसी ने भी, ओके? ऑलवेज रिमेंबर, लर्न टू से नो फर्मली इन ऑर्डर टू अवॉइड बैड हैबिट्स। अगर आपको कोई प्रेशर डालता है आपके ऊपर, बुरी आदत आपको लगाने के लिए, तो उनको कड़क का आवाज़ में बोलना है नहीं, नो, ओके? व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन में क्या पढ़ा है? ईच पर्सन शुड पुट इन एफर्ट्स टू मेंटेन द कम्युनिटीज हेल्थ। हमारा जो समुदाय है, इंसान जो हम साथ में रहते हैं, समाज है, तो इसमें हमने सिर्फ एक ही इंसान की निगाह नहीं रखनी चाहिए, पूरा समाज, पूरा समुदाय अच्छा रहे इसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। वी मस्ट बी अलर्ट विथ रिस्पेक्ट टू मैटर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। जो हमारे सार्वजनिक जो हेल्थ होती है, यानी कि सार्वजनिक हेल्थ मतलब क्या, हमने हमेशा सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी सबके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहना चाहिए। होलसम लिविंग लीड्स टू गुड पर्सनल एंड सोशल हेल्थ। अगर हमें अच्छा जीना है, अच्छे जीने जिएंगे, सुखी जिएंगे, तो हमारा पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ दोनों कैसा होता है? अच्छा होता है। वन नीड्स टू बी फर्म विथ वन सेल्फ टू अवॉइड बैड हैबिट्स। हमने अपने मन के ऊपर अच्छा नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हम बुरी आदतों से दूर रहे, परे रह सके। सो दिस वॉज आर लेसन, होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।